हेलो स्टूडेंट्स, पाइथन सीखने सीरीज में आज हम देख रहे हैं कि अगर मुझे किसी नंबर को रिवर्स करना है यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन तो वो हम कैसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बेसिकली अगर मुझे किसी नंबर को रिवर्स करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम पाइथन के दो इम्पोर्टेंट ऑपरेटर देख लेते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेटर है हमारा वो होता है मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर मीन्स ये, अगर मुझे किसी नंबर को सपोज यहाँ पे पास नंबर है 25 और मैं इसको मॉडुलस 10 करता हूँ तो रिजल्ट क्या आता है। तो मॉडुलस ऑपरेटर हमेशा क्या करता है, रिमाइंडर बताता है। और अगर इस 25 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 5, जिसका रिजल्ट क्या आएगा, 5। तो एक हमारा मॉडुलस ऑपरेटर है जो हमेशा क्या बताता है, जो हमेशा रिमाइंडर वैल्यू देता है। और एक हमारे क्या कहता है, डिविजिबल है, डबल स्लैश। जब भी हम किसी नंबर को डबल स्लैश से डिवाइड करते हैं पाइथन में तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 2.5 इस तरीके से आएगा, जिसमें से पॉइंट के बाद की वैल्यू जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगी और रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ 2, मतलब ओनली इंटीजर नंबर। तो याद रखना, अगर हम किसी नंबर को मॉडुलस ऑपरेटर की हेल्प से वो नंबर किसी अगर हम किसी नंबर का मॉडुलस निकालते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, उसका रिमाइंडर होता है। और अगर हम उसको डिवाइड करते हैं डबल स्लैश की हेल्प से तो ये हमेशा सिर्फ रिजल्ट में क्या देता है, इंटीजर नंबर पॉइंट वाली वैल्यू को छोड़ देता है। ठीक है, तो ये दो बेसिक ऑपरेशन थे जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होने वाली है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कि हम कैसे किसी नंबर का जो है कैसे हम किसी नंबर को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो मैं पहले इसको साफ कर दूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक नंबर है 1251256, तो इसे मुझे रिवर्स करना है, मतलब मुझे इसे क्या बनाना है, 6521 ये बनाना है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, तो देखो कुछ इस तरीके से लॉजिक लगाऊंगा मैं सबसे पहले इस नंबर को डिवाइड करूंगा किससे, 1 2, मैं इसको मॉडुलस करूंगा इसका किससे, 10 से। 10 क्या करेगा, हमें रिमाइंडर दे देगा, मतलब क्या दे देगा, 6। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इसको इस नंबर को क्या कर दूंगा, अभी मुझे 6 बाहर आ गया है, रिमाइंडर निकाल दिया मैंने 6, सबसे मुझे 6 चाहिए था, 6 मेरे पास बाहर आ गया है ना। अब मुझे इस नंबर को 6 हटाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, डबल स्लैश 10 से। तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा 1 2 5। फिर क्या करूंगा अगले राउंड में, फिर वही चीज़, फिर 1 2 5 को मैं क्या करूंगा, मॉडुलस करूंगा किससे, 10 से, तो मुझे रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 5। ठीक है, और फिर क्या करूंगा इसको, 1 2 5 को मैं डबल स्लैश कर दूंगा 10 से, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 12। इस तरीके से हम नंबर को चलाते जाएंगे, कब तक, जब तक कि इसका ये नंबर क्या ना बन जाए, मेरा 0 ना बन जाए। ठीक है, तो देखो इस प्रोसेस से मुझे क्या मिलेगा, मुझे हर बार जब भी मैं प्रोसेस अप्लाई करूंगा तो मुझे हर बार इस प्रोसेस से क्या मिलेगा, रिमाइंडर नंबर मिलता जाएगा, है ना। जैसे कि क्या मिला, यहाँ 6 मिला, यहाँ 5 मिला। ठीक है, तो रिमाइंडर मिलता जाएगा, लेकिन मुझे रिमाइंडर नहीं चाहिए, मुझे उसको नंबर बनाना है, तो वो कैसे बनाऊंगा। तो देखो मैं क्या कहूंगा, ये रिमाइंडर फाइंड करने के पहले एक नंबर सर्च कर लूंगा, सपोज नम, जिसमें मैं डाल दूंगा 0। अब जब भी मैं रिमाइंडर निकालूंगा, याद रखना, मैं जब भी रिमाइंडर निकालूंगा तो मैं क्या कहूंगा, नम इज इक्वल टू कर दूंगा क्या, नम इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका नंबर क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि नम में मैं क्या करूं, पहले 10 का मल्टीप्लाई करूं और उसमें मैं क्या कर दूं, रिमाइंडर को ऐड कर दूं। तो इनिशियली नम में क्या है, 0 है, तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 10 प्लस नम में क्या है, रिमाइंडर क्या होगा हमारा, सबसे पहले 6, तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6। तो अब नम में क्या हो चुका है, 6 हो चुका है। सेकेंड राउंड में क्या होगा, सेकंड राउंड में हमारे पास 5 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, फिर नम इंटू 10, तो अब क्या हो चुका है, 6 हो चुका है नम में, तो 6 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर क्या होगा, 5, तो क्या बन जाएगा, 60 प्लस 5 मतलब 65। तो देखो पहले नंबर क्या बना, 6 बना, अब क्या बन गया, 65 बन गया। नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, 2 आएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, 65 इंटू 10 प्लस 2, तो वो क्या हो जाएगा, 652 और फिर 65। तो इस तरीके से जो है हम लॉजिक लगाएंगे किसी नंबर को रिवर्स करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसका प्रॉपर लॉजिक लिखता हूँ, देखिएगा प्रॉपर लॉजिक हमारा क्या होगा। मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डेफ फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, सपोज रिवर्स नाम का फंक्शन बनाया जो एन नंबर को रिसीव कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा कि जब तक कि मेरा ये जो एन है वो क्या ना हो जाए, वो ग्रेटर देन 0 है, जब तक कि मेरा एन ग्रेटर देन 0 है तब तक ये फंक्शन, तब तक क्या हो, इसके अंदर आए हम, और अंदर आके हम क्या करें, जो एन है उसको सबसे पहले उसका रिमाइंडर निकालूं, तो मैंने रिमाइंडर इक्वल टू क्या कर दिया, एन मॉडुलस 10। ठीक है, उसके बाद फिर मैं क्या कर दूं, एन को क्या कर दूं, एन इज इक्वल टू मैं क्या कर दूं, एन डिवाइडेड बाय 10, जिससे क्या हो जाएगा, एन छोटा भी हो जाएगा।
अब मुझे इस रिमाइंडर को ऐड करना है। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नम नाम का फंक्शन वेरिएबल लेंगे जिसे जीरो इनिशियलाइज कर देंगे। इस फंक्शन के बाहर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, नम इक्वल टू जीरो इनिशियलाइज कर दूंगा, ठीक है। और फिर क्या करूंगा, मैं फिर यहाँ पर मैं नम कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इस नम को इनिशियलाइज कर दूंगा ग्लोबल नम, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब भी ये फंक्शन चलेगा तो ये जब ये हम हर बार नम को जो है अपने नम को ग्लोबल कर दिया तो ये क्या करेगा, इस नम को इस फंक्शन के अंदर भी इसको यूज करेगा, ठीक है। ये पहले बाहर है, अब ये फंक्शन के अंदर भी वेरिएबल आ चुका है, लेकिन कौन सा वेरिएबल है, यही जो जिसे मैंने बाहर डिक्लेयर किया है। अगर मैं इसको ग्लोबल नहीं लिखता हूँ तो ये लोकल बन जाएगा, मुझे इसे लोकल नहीं बनाना, मुझे इसे ग्लोबल बनाना ताकि बाहर भी एक्सेस हो और अंदर भी, तो ये नम बन चुका है। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हमारा जो लॉजिक था क्या लिखूंगा, नम इज इक्वल टू नम इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, ठीक है। और लास्ट में फिर क्या कर दूंगा, अब मुझे इस फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करना है तो लास्ट में क्या कर दूंगा, रिवर्स और एन से फिर से कॉल कर दूंगा इसको। तो देखो एन मेरा छोटा हो चुका है यहाँ पर, तो डिवाइड 10 किया तो एन से कॉल होगा, उससे ही चलता जाएगा, कब तक चलेगा, जब तक कि एन की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो से बड़ी रहेगी। जैसे जीरो से छोटी हो जाएगी तो बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे क्या, जो हमने नंबर बनाया है, क्या बनाया है नंबर हमारा, ये नम, तो मिशन कर देंगे क्या, ये नम। इस तरीके से हमारा जो है फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन जो है किसी नंबर को रिवर्स कर देगा। देखो एग्जांपल से इसको मैं कोट करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी रिकर्सिव फंक्शन नाम को एक फाइल बना रखी है, ठीक है, इसके अंदर हम कोट करते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले डेफ लिखा जिसके अंदर एक नंबर जिसका नाम रखा है मैंने फंक्शन का नाम रिवर्स REV, और इसके अंदर मैंने एक एन रिसीव किया है, ठीक है। अंदर आए तो मैंने क्या किया, जब तक मैंने क्या चेक किया कि इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो, अगर एन जीरो से बड़ा है तो ही इसके अंदर आए, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, तो मैंने बोला हम करेंगे सबसे पहले उस एन को क्या निकालेंगे, मॉडुलस एन मॉडुलस 10, और जो रिजल्ट आएगा उसको किसमें शो कर देंगे, हम उसको शो कर देंगे रिमाइंडर में, ठीक है, रिमाइंडर इक्वल टू, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, मैंने बोला फिर हम करेंगे एन इज इक्वल टू एन डबल स्लैश 10, तो इससे एन हमारा छोटा हो जाएगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रिमाइंडर को, जो रिमाइंडर निकाला है उसको किसी नंबर में मुझे स्टोर करके रखना है ना, तो एक पहले मैं यहाँ पे ग्लोबल नंबर बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या बनाया, नम बनाया जिसको इनिशियलाइज कर दिया जीरो से। अब मुझे इसको रिवर्स इस फंक्शन के अंदर मैं इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर देता हूँ, तो मैंने बोला ग्लोबल क्या नम, ताकि ये इसके अंदर भी एक्सेस हो सके, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस नम को मैंने लिखा नम इज इक्वल टू, मैं क्या कर दूंगा नम इंटू 10। अब इंटू 10 क्यों करता हूँ, मैं उसको क्या बना रहा हूँ, 10 टाइम्स कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम उसमें कुछ हमें ऐड करने का स्कोप रहे, और ऐड के मैंने क्या कर दिया रिमाइंडर, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएगा। अब लास्ट में क्या करूंगा, मैं जब ऐड हो चुका है तो अब मुझे नंबर को एक कम नंबर, हमारा कम हो चुका है, जो कम नंबर है उसको वापस से रिकवर इस एन के अंदर भेजना, मतलब इसे रिकर्सिवली कॉल करना है ताकि वो चलता रहे। तो मैं इसको रिवर्स और इसके अंदर क्या कर दूंगा, ये एन को कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो ये रिकर्सिवली कॉल होता रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ, मैं प्रिंट चले देता हूँ इंटर नंबर, इंटर नंबर, ठीक है, और उसको स्टोर कर लेता हूँ तो एक्स में, तो एक्स इक्वल टू मैंने क्या लिखा, इंट इनपुट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक्स में आ जाएगा, और फिर मैं उसको क्या कर दूंगा, रिवर्स को कॉल कर दूंगा उस एक्स पे, और वो रिवर्स होके कहाँ जाएगा, ये रिटर्न होगा लास्ट में, वो उसको रिटर्न करना भूल गया मैं, सॉरी। अब ये लास्ट में क्या हो जाएगा, रिटर्न कर देगा, रिटर्न किसको रिटर्न कर देगा, उस नम को। तो ये नम रिटर्न होकर कहाँ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा, तो इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ इसकी वैल्यू को। तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट रिजल्ट, ठीक है, ये रिजल्ट हो जाएगा यहाँ, कॉम होके यहाँ प्रिंट हो जाएगा। एक और तरीका था कि मैं पहले इस रिजल्ट रिवर्स जो रिटर्न होता है इसको कहीं इस किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता और उसके बाद प्रिंट करा देता है, दो तरीके हैं, ठीक है। फिलहाल मैं ऐसे करता हूँ, इसको सेव कर दिया मैंने। अब मैं इसको रन कराता हूँ, तो रन कराने के लिए मैंने टर्मिनल ओपन किया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, पाइथन स्पेस फाइल का नाम, क्या है हमारी फाइल का नाम, ये रिवर्स फंक्शन डॉट पी वाई, ठीक है। मैंने लिखा रिवर्स फंक्शन डॉट पी वाई, एंटर कर दिया, तो ग्लोबल क्या गड़बड़ हो गया देख लेते हैं,
ओ सॉरी, इसको मैंने इंडेंटेशन नहीं दिया था। ठीक है, ओके, अब आ गया। अब इंटर करता रहता हूँ तो नंबर मांग रहा है। सपोज मैंने क्या दे दिया, 1 2 3 4 5, तो ये क्या कर देगा, 5 4 3 2 1। ठीक है, ये देखिए रिजल्ट क्या आ गया, 5 4 3 2 1, रिवर्स कर दिया। फिर सेंड कराता हूँ, इस बार मैंने दे दिया 2 8 9 3, रिवर्स करके क्या कर देगा इसको, 3 9 8 2, ये बना दिया इसने 3 9 8 2। तो इस तरीके से हम रिकर्सिव फंक्शन की हेल्प से किसी नंबर को रिवर्स कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, आपको समझ आया होगा कि कैसे किसी फंक्शन, कैसे हम किसी नंबर को रिकर्सिव फंक्शन की हेल्प से रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये फिर उन्होंने किसी लिखा हुआ है, मिस्टेक्स लिखा हुआ है, इसको हम कर देंगे रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, अगर आज आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया तो प्लीज आज की वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ से शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर बेल आइकन बन के आएगा, उसे दबाइए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।